भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देती हूँ। समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देती हूँ। यह प्रचंड जीत जो है ये हमारे प्रधानमंत्री जी की कार्य कुशलता पे और गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने के लिए और राशन कार्ड देने के लिए और लाइट सबका गांव गांव लाइट पहुंचाने के लिए और घर घर शौचालय बनवाने के लिए इतना अधिक कार्य करने के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी को ये जीत हासिल हुई है। और ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके मतलब हम बहुत जरूरत है इस समय देश को उनकी, और आगे और भी विकास करेंगे वो, गरीबों के हित में काम करेंगे। उन्होंने सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया था उसी के तर्ज पे काम किया है और गरीबों के हित में काम करने वाली सरकार है। तो मैं एक बार पुनः बधाई देती हूँ इस जीत के लिए और उन सबके मुंह पे करारा थप्पड़ है जिन्होंने हमारे दिन रात काम करने वाले प्रधानमंत्री का मजाक बनाया था और उन्हें चोर कहा था। तो ये एक सबक है कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्र जातिवाद से वंशवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रहित के लिए काम कर रहे हैं और उन लोगों ने इनका मजाक बनाया था, अब ये इन्हें सबक मिलेगा। और मैं ये मतलब ये हमें उम्मीद है कि ये सरकार फिर से हमारे गरीबों के हित में काम करेगी और बहुत अच्छा काम करेगी। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, देश की जनता ने उन्हें प्रेम से उनको जिताया है, पार्टी को जिताया है, इस खुशी में मिठाई मिल रही है। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी जो हैं उनके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी गरीबों का जो उत्थान उन्होंने किया वो काम जारी रखे और गरीबों के मकान शौचालय आपका जो भी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत ये सब योजनाओं पे हमें लगे रहना, इसमें हमें विचलित नहीं होना, हमने पूरा काम करना। देश की आधी जनता जो गरीब है उनका जीवन स्तर हमें ऊंचा उठाना, कार्यकर्ताओं ये संदेश है। मोदी की तरफ लोग मोदी नहीं है, मोदी मींस वो भगवान की तरह देखते हैं कि मोदी जी ईमानदार हैं, उनकी छवि बेदाग है और जिन लोगों ने उनको चोर कहा वो खुदार है। इतना ईमानदार व्यक्ति पूरे देश में राजनीति में कोई आया नहीं। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल